हेलो, माय नेम शितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है और जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, और वो है कि आप फूड ब्लॉगर कैसे बने। सो मैं बेसिकली फूड में इतना भी इंटरेस्टेड नहीं था कि मैं उसको लेके ब्लॉगिंग करूँ, या इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं थी कि मैं फूड को लेके ब्लॉगिंग करूँ। अब जोमेटो में क्या है कि जब भी आप कोई ब्लॉग लिखते हो या कुछ उस रिव्यू लिखते हो किसी रेस्टोरेंट का, तो आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स मिलते हैं, शायद 25 पॉइंट्स मिलते हैं एक रिव्यू लिखने के। बहुत टाइम से मैंने खुद नहीं किया है। और 2 पॉइंट मिलते हैं एक फ़ोटो के लिए। तो जितनी ज़्यादा आप फोटो डालोगे उतने आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे उतने आपके लेवल्स बढ़ेंगे। तो उसमें कुछ 13 लेवल्स हैं, और धीमे धीमे करके आपके लेवल उसमें बढ़ते रहते हैं। जब आप पहला रिव्यू लिखते हो तो आप फर्स्ट लेवल अपने आप ही क्वालिफाई कर लेते हो, और वहाँ से फिर आप सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल करते हो। तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मेरा तो सिर्फ ये इंटेंशन था कि मैं अपने दोस्त से ज़्यादा पॉइंट अर्जित करूँ। तो जितने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को मैं रिव्यू करूँगा, जितने ज़्यादा फोटो डालूंगा, पॉइंट वाइज मेरे उससे ज़्यादा लेवल्स क्रॉस हो जाएंगे और मैं उससे शर्त जीत जाऊँगा। तो वो जो शर्त लगी थी उस चक्कर में मैंने रिव्यू करना शुरू किया। अब मैं जहाँ से भी खाना मंगाता था, क्योंकि मैं मुंबई में रहता था, घर पर अक्सर खाना बना नहीं पाता था, जो बाई खाना बनाती थी वो मुझसे खाया नहीं जाता था, तो मैं बाहर से खाना मंगाता था और उसको फिर मैंने रिव्यू करना शुरू किया। उसकी फ़ोटो खींच खींच के डालने लगी और उसकी फ़ोटो खींच खींच के डालने लगा। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था इनिशियली, पर मैं डालता था। अगर मुझे खाना अच्छा लगता था मैं अच्छी चीज़ डालता था, अगर अच्छा नहीं लगता था तो मैं ख़राब चीज़ें डालता था उसके बारे में कि रेस्टोरेंट में ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें होनी चाहिए थी जिससे वो चीज़ बेटर हो सकती है। अब एक दिन ऐसे ये हुआ कि एक रेस्टोरेंट ने मुझे कुछ खाना भेजा और मैंने उसका फ़ोटो खींच के उसका रिव्यू किया और मैंने उसको 1 रेटिंग दी, क्योंकि वो खाना बिल्कुल ही बेकार खाना था। एंड टू माई सरप्राइज़ थोड़ी देर बाद उस रेस्टोरेंट के ओनर का फ़ोन आया कि आपको खाने में क्या नहीं अच्छा लगा। तो मैंने उसे बताया कि खाने में ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, इतना महंगा खाना था, उसके बाद भी उसमें ये प्रॉब्लम्स थी विच आई कुडंट टॉलरेट, सो आई रोट द रिव्यू। सो ही सेड कि सर, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री फूड पैकेज भेज रहा हूँ, आप उसको खाइए और उसको रिव्यू करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपनी रेटिंग चेंज करिए। तो मेरे साथ ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। सो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप भेजो, मैं देखता हूँ। सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था जो कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज होगा वो सेम खाना जो है वो भेजेगा मेरे को, क्योंकि उसने वो खाने में गड़बड़ी थी, क्योंकि नॉर्मली करते हैं रिप्लेस कर देते हैं खाना, पर वो खाना मैं खा चुका था। तो फिर मैंने डब्बा बंद निकाल के रख दिया था कि इनकेस वो देखना चाहे या ले जाना चाहे तो ले जा सकता है उसको। तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री खाना भेजा, उसके साथ एक रिसीट आई जिस पर 0 बिल लिखा हुआ था। तो मैंने रिसीट ले ली, वो लोग खाना देख के मुझे चले गए। मैंने खाना रिव्यू किया, मैंने रिव्यू चेंज कर दिया, दे गॉट हैप्पी, दे अगेन कॉल्ड मी कि थैंक यू सर, आपने अपना रिव्यू चेंज कर दिया, अब हम आपको एक और कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बुलाइए और आप एक बफे रखिए और उसमें सबको खाना खिलाइए और उसके हम आपको खाना प्रोवाइड करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने उन्हें एक डेट बताई, उन्होंने उस दिन खाना भेज दिया। मैंने कोई दोस्त उसको नहीं बुलाया, पर वो खाना मैंने 2 दिन तक खाया आराम से। तो पहला एक्सपीरियंस था मेरा जिसमें मुझे फ्री खाना मिला मुंबई में, और वो भी 2 बार। तो उसके बाद मेरा मोटिवेशन बढ़ गया, मैंने तो फिर रिव्यू करने शुरू कर दिए। अब जितना मैं रिव्यू करता था तो उसमें किसी का अच्छा होता था तो रिस्पॉन्स आता था कि थैंक यू सर, आपने मैं अच्छा रिव्यू दिया। अगर खाना अच्छा नहीं होता था तो वो मुझे फ़ोन करते थे, फिर खाना रिप्लेस करने के लिए बोलते थे, या फिर मुझे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री खाना भेजते थे जिस खाने के बाद मैं अपना रिव्यू चेंज कर देता था, क्योंकि रिव्यू चेंज करना ज़रूरी है अगर आपने उनका फ्री का खाना खा लिया, या तो आप इतने स्ट्रिक्ट हो कि आप फ्री का खाना ही नहीं खाएंगे उनका, पर वो खाना एनीवेज भेजते हैं, सॉरी बोलते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, तो आपको रिव्यू भी चेंज करना पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपसे भी गलती हो जाती है, कई बार आप ही चीज़ें नहीं समझ पाते हो कि खाना अच्छा था कि ख़राब था। अब आप इसको थोड़ा सा करप्शन लेवल पे भी ले जा सकते हो कि आप फ्री का खाना खा के अपने रिव्यू चेंज कर रहे हो बेसिकली, तो ज़रूरी नहीं है वो रेस्टोरेंट कोई अच्छा हो। पर उस टाइम मैं इतना कुछ सोचता नहीं था, मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि यार खाना मिल रहा है फ्री का और क्या चाहिए। पर एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी थी मेरे अंदर वो ये थी कि मैं अपने रिव्यूज़ को लेकर ऑनेस्ट था। अगर किसी रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है तो मैं उसे जेन्युइन रिव्यूज़ देता था, अच्छा नहीं है तो भी मैं उसे जेन्युइन रिव्यूज़ देता था जो कि निगेटिव में होता था। उसके बाद जब वो रिस्पॉन्ड करता था तो भी मैं उसे जेन्युइन बताता था कि आपको क्या चेंजेस करने चाहिए अपने रेस्टोरेंट में और खाने में जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद उस चीज़ से उसको भी हेल्प होगी, वो अपना कस्टमर फीडबैक उसको मिलेगा तो चीज़ें अच्छी होंगी उसके लिए। मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि जोमेटो कितनी बड़ी चीज़ हो चुका है और जोमेटो की वजह से उनको कितना बिजनेस आता है। और एक्चुअली ऐसा होता है कि जोमेटो अभी इतनी बड़ी चीज़ हो चुका है कि कई बार लोग जो होते हैं वो 4 रेटिंग से कम वाले जो रेस्टोरेंट हैं उन पर जाते ही नहीं है, उनको देखते ही नहीं है। जैसे मेरे साथ भी, अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो 4 से कम रेटिंग के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको मैं देखता ही नहीं हूँ। हालाँकि अभी जोमेटो बहुत ही
आर्टिफिशियल हो गया है, फेक रिव्यूज़ हैं उसमें और फेक पॉइंट्स लोग बना लेते हैं उसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्री का खाना दे देंगे, फेक पॉइंट्स आप उसमें एक्वायर कर सकते हो। सो ये लोग करते थे। तो अभी जोमेटो ने भी काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनाई हैं, जब उनके सामने ये कई केसेस आए जहाँ पे लोग रेस्टोरेंट्स को ब्लैकमेल करते थे कि आप हमको खाना दो फ्री में वरना हम आपका रिव्यू ख़राब कर देंगे, तो वो भी केसेस आए हैं उनके सामने। तो उन्होंने इतना कर दिया है कि हर महीने सिर्फ आप 10 रिव्यूज़ ही डाल सकते हो, उससे ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं डाल सकते। बट जोमेटो इज़ अ प्लेस वेयर आई थिंक यू कैन एक्चुअली पुट रिव्यूज़ एंड योर रिव्यूज़ मैटर, और आप वहाँ से एक फूड ब्लॉगर बन सकते हो। मतलब मैंने करीब 130 रिव्यूज़ किए हैं उसमें, और मुझे बहुत फ़ायदा होता है कि मुझे बहुत सारे फूड टेस्टिंग इवेंट्स होते हैं वहाँ बुलाया जाता है, कोई रेस्टोरेंट की ओपनिंग है तो मुझे वहाँ बुलाएंगे वो लोग कि आप रेस्टोरेंट में आइए खाना खाइए इनॉग्रेशन के दिन। या फिर फूड टेस्टिंग में क्या होता है बेसिकली कि फूड लगे होते हैं 5-6 तरीके की नई रेसिपीज़ किसी शेफ़ ने बनाई होती हैं, तो उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आपका फीडबैक नोटिस करते हैं। तो बेसिकली आप खाना खाते हो फिर फीडबैक लिखते हो उसमें। सो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो जोमेटो के थ्रू। पर एक चीज़ जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो ये है कि अपने रिव्यूज़ के थ्रू ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि देर सवेर ये लोगों को पता चल जाएगा कि आप फेक रिव्यूज़ करते हो, फिर जोमेटो आपको बैन कर देगा, फिर आपको पूरी चीज़ें वापस स्टार्ट करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जोमेटो चैनल के साथ अपना व्लॉग भी चलाएं, जो मैंने नहीं चलाया था। मैंने अपने जोमेटो चैनल के साथ अपना ब्लॉग नहीं बनाता हूँ, मैं एक्चुअली फूड ब्लॉगिंग को लेकर उतना इंटरेस्टेड नहीं था, तो मैंने अपना ब्लॉग नहीं चलाया था। पर अगर आप सीरियसली लेना चाहते हो फूड ब्लॉगिंग को, तो आप जोमेटो से शुरू करो, क्योंकि वहाँ आपको तुरंत रिस्पांस मिलता है, तुरंत फॉलोइंग मिलती है। और जोमेटो में एक अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी को फॉलो करते हो तो लोग आपको फॉलो बैक देते हैं, क्योंकि छोटी कम्युनिटी है, तो आप जितना हो सकता है वहाँ पे लोगों को फॉलो करिए। मैं तो जितने होते हैं उनको फॉलो करता हूँ, रैंडम लोगों को फॉलो करता हूँ, और जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं मैं उनको पलट के फॉलो करता हूँ, तो मेरे फॉलोवर्स भी 3,000-4,000 से ऊपर हो गए इस वक्त। सो दैट इज़ द थिंग। और एक अच्छी बात यह है कि जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ और उनको पता चलता है कि जो मैनेजर है उसको पता चलता है कि मैं जोमेटो रिव्यूअर हूँ, तो वो हमें एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देता है और कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट्स भी मिलते हैं, और वो मैन बस इतना बोलते हैं कि आप सर रिव्यू अच्छा देना। तो बदले मुझे इतना करना पड़ता है कि मुझे ढेर सारी फोटोज़ खींचनी पड़ती हैं लोकेशन की और खाने की, और उसके बाद मैं अच्छा सा रिव्यू उनको करके दे देता हूँ। उनका भी फ़ायदा होता है, मुझे भी अच्छी फीलिंग आती है और मुझे भी अच्छे से सर्विंग मिलती है। तो फूड ब्लॉगर होने के बहुत फ़ायदे हैं। तो अगर आप कभी फूड ब्लॉगर बनने का सोच रहे हो, सोचते हैं उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, सो सिर्फ यही फ़ायदा नहीं है कि इंटरनेट से आप पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो आपको बुलाते हैं रिव्यू करने के लिए उनका रेस्टोरेंट, और उनके रेस्टोरेंट के ऊपर एक आर्टिकल लिखने के लिए, तो वहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हो। और बाकी ये कॉम्प्लीमेंट्री फूड सर्विसेज तो हैं ही, और आपको जो इज्जत मिलती है अगर आप फूड ब्लॉगिंग करते हो, किसी भी रेस्टोरेंट में अगर आप जाओगे तो आपको अलग लेवल पर इज्जत मिलेगी, क्योंकि आप फूड ब्लॉगर हो और उनके रेस्टोरेंट के बारे में वो चाहते हैं कि आप अच्छा अच्छा ही लिखो। सो जोमेटो पे अगर आप फूड ब्लॉगिंग नहीं करते हो तो आप जब भी कुछ खाना मंगाओ तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जोमेटो पे अपने रिव्यूज़ डालिए और अपने रेटिंग दीजिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। और जितनी ज़्यादा फोटो खींच सकते हैं उसको खींचिए, इंस्टाग्राम पे जो फोटो डालते हैं, जो बची फोटो होती है वो उस पर डालिए, तो आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे उस चीज़ के लिए। अच्छा, ये कोई पेड वीडियो नहीं है जहाँ पे जोमेटो ने मुझे पे किया है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे भी मेरे इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं कि मुझे कोई पे वे नहीं करने वाला इस चीज़ की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप में से कोई फूड ब्लॉगर बनना चाहता है और वो कहीं से शुरुआत करना चाहता है तो ये बेस्ट तरीका है इस चीज़ को शुरुआत करने का। तो जोमेटो पर आप रिव्यू करिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो दिस वॉज माई ब्लॉग फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ कॉमेंट एंड डू लाइक शेयर वीडियोज़। थैंक यू।